हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के न्यूमेरिकल एनवायरमेंटल यूजीसी नेट जो कि अब एनटीए कहलाता है उसमें पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन दूसरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट यानी कि एनटीए की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीए जून 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। क्वेश्चन एंटी जून 2019 में जो पूछा गया था, अ कंटेनर हैज थ्री व्हाइट बॉल्स एंड टू ब्लैक बॉल्स आइडेंटिकल इन साइज, टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर इज। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो बॉल ड्रॉ करने की जो कि डिफरेंट कलर की हो। तो इसमें हम मान लेंगे एस एस समाना हो गया सैंपल स्पेस, और एन एस हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स आउट ऑफ फाइव। तो पांच बॉल यानी कि थ्री व्हाइट बॉल है प्लस टू हमारी ब्लैक बॉल है, तो हमारी टोटल क्या पांच बॉल में से दो बॉल निकालने का कितने तरीके होंगे, तो इसको लिखते हैं एन सी टू। ई वी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, हमें दो बॉल निकालनी है डिफरेंट कलर की जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, और एनी हमारा हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग ऑफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो इसको हम थ्री व्हाइट में से हम एक बॉल निकालेंगे व्हाइट, और टू में से हम एक बॉल निकालेंगे ब्लैक में से एक बॉल निकालेंगे ब्लैक। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर दैट इज एक्सप्रेस इन पीई, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले को एन ई, जो हमारा इवेंटेड ऑफ ड्रॉइंग ऑफ टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग ऑफ टू बॉल फ्रॉम कंटेनर्स। तो इसको हम एन ई हमारा था दोस्तों थ्री सी वन अपॉन थ्री इंटू टू सी वन डिवाइड बाय फाइव सी टू। तो इसे लिखते हैं हम एन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, एन माइनस आर होगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम एक सॉल्व कर देखते हैं थ्री सी वन, तो थ्री सी वन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वन फैक्टोरियल, वन हमारा है वन, देन थ्री फैक्टोरियल ले सकते हैं हम थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाय थ्री माइनस वन टू फैक्टोरियल टू इंटू वन इंटू वन, तो टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारा थ्री सी वन की वैल्यू आएगी थ्री। तो सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे टू सी वन, तो टू सी वन की वैल्यू ऐसे रहेगी टू, और अगर हम सॉल्व करेंगे फाइव सी टू तो फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव माइनस टू थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय टू फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और टू फैक्टोरियल टू डिवाइड बाई टू, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा टेन। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे पी हमारा हो गया थ्री इंटू टू डिवाइड बाई टेन तो टू फाइव, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ऑफ टू बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स इज थ्री बाय फाइव। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएँ।